हेलो एंड वेलकम टू मूवी डायरी। मैं हूं सुखेंदु। इस चैनल में आपको दिन भर मिलेगा सिनेमा वर्ल्ड से अपडेट्स, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशंस एंड रिएक्शंस शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी अपडेट ना छूटे। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। आ गया हूँ काफ़ी सारे अपडेट्स लेकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनने वाला है, इसीलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, करीब 4 साल पहले मैडॉक फिल्म्स और डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक मूवी का अनाउंसमेंट किया था, नेम डैश 21, स्टारिंग वरुण धवन। ये मूवी इंडिया की यंगेस्ट परमवीर चक्र रिसिपिएंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक है। 2019 के बाद मूवी का कोई अपडेट नहीं आया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। वरुण धवन भी इस मूवी से बैकआउट कर चुके हैं, लेकिन इसका प्री प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू हो गया है। टोटल 6 महीने का शूट होने वाला है, जिसका फर्स्ट शेड्यूल का शूट अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। अब इस मूवी में अगस्त्य नंदा, जो कि अमिताभ बच्चन का ग्रैंडसन है, और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र लीड रोल पर नजर आएंगे। नंबर टू, ड्रीम गर्ल 2 से एक और गाना आज ड्रॉप किया गया है। गाने का नाम है जमुना पार। इस गाने के अंदर आयुष्मान खुराना एज पूजा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। इस गाने की सिंगर है नेहा कक्कर। गाना बहुत अच्छा है, बहुत मेलोडियस एक गाना है। सबसे बढ़िया बात, गाना देखते वक्त ही एक अजीब सा फील होता है जब आयुष्मान खुराना लिप सिंग कर रहे हैं एक लेडी वोकल के ऊपर। विजुअल्स भी ऐसा है कि आपको हंसी जरूर आएगा। अब तक जितना भी इस मूवी का ग्लिम्स या विजुअल्स नजर आया, हर एक में मूवी का पोटेंशियल्स जरूर नजर आया। नंबर थ्री, महेश भाट, पुलेला गोपीचंद और आनंद पंडित प्रेजेंट्स अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी लव ऑल, स्टारिंग के मेनन। इस मूवी का रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। 25 अगस्त नहीं, अब इस मूवी को 1 सितंबर रिलीज किया जाएगा। नंबर फोर, टाइगर 3 मूवी से एक अपडेट आ रहा है कि जैसे टाइगर पठान को बचाने के लिए रशिया गया था, वैसे ही टाइगर पाकिस्तान के जेल में कैद होने वाला है और वहां उसे बचाने पठान का एंट्री होने वाला है टाइगर 3 के अंदर। ये एक हाई ऑक्टेन जेल ब्रेकिंग एंड बाइक चेस सीक्वेंस होने वाला है। साउंड्स रियली इंट्रिगिंग। नंबर 5, विद्युत जम्वाल और डायरेक्टर आदित्य दत्त, जिन्होंने इससे पहले कमांडो 3 जैसे फिल्म कर चुके हैं, इन दोनों की कोलैबोरेशन की अगली फिल्म एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्शन मूवी नेम्ड एज क्रैक। मुंबई अंडरग्राउंड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। इस मूवी में विद्युत जम्वाल के ऑपोजिट अब नजर आएगी नोरा फतेही। जवान, डंकी, कंतारा 2 से और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, लेकिन इसके लिए मेरे चैनल में दिए गए शॉर्ट्स को जरूर फॉलो कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय सिनेमा।